दोस्तों नमस्कार फ्रेंड, के एक न्यू वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि भाउचाल इफेक्ट जो कि यहाँ पर क्लासिक ऑप्शन है, इसके बाद ड्रैक है, इसके बाद नो ब्लड है, इसी तीनों ऑप्शन में क्या क्या फ्यूचर है, इसी तीनों ऑप्शन में क्यों आपको सिलेक्ट करना चाहिए और किस लिए आपको ये सिलेक्ट करना चाहिए, और प्रो फ्री फायर के जो प्रो प्रो प्लेयर होता है, बहुत सारा प्रो प्लेयर इसी जो तीनों सेटिंग है, इनमें से तीनों सेटिंग यहाँ पर कौन सा जो कि सेटिंग सेट करके रखता है फ्री फायर गेम खेलने के लिए, और इसको क्यों सेट करना भी चाहिए, ये भी सारा डिटेल बताऊंगा पार्ट टू पार्ट। पहले क्लासिक में, उसके बाद ड्रैक में, उसके बाद नो ब्लड में, तो ये क्यों सिलेक्ट करना चाहिए बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं स्टार्ट गुरु यूट्यूब चैनल। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर के भाउचाल इफेक्ट जो कि यहाँ पर क्लासिक बोल के जो ऑप्शन है, इसमें अगर आपने अपने ऑप्शन में दबा के रखना, अगर आपने फ्री फायर गेम खेलते हो तो ऐसे में आपको क्या क्या होंगे, तो यही डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या क्या फ्यूचर है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपनी आपने यहाँ पर उसी ऑप्शन में टच करके आपने खेलेंगे, तो यहाँ पर बाई चांस अगर आपने ब्लू जोन में पड़ जाते हो या ब्लू जोन के अंदर कोई भी एनिमी रहता है, तो आपको ये ब्लड होने की वजह से आपको नहीं दिखाई देगा। तो जैसे आप देख सकते हो कैसे ब्लड यहाँ पर दिखा रहा है कि आप ब्लू जोन के अंदर हो और इसी चारों तरफ पेड़ है, लेकिन उसके पास सामने अगर एनिमी है तो आपको नहीं दिखाई देंगे इस ब्लड होने की वजह से। तो इसलिए आपको क्या करना है, और इसके बाद जो कि तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसे दिक्कत है कि आपको कोई भी एनिमी की आपको आपको नहीं दिखाई देगा, तो एनिमी को आप शूट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है क्लासिक में अगर आप इसी मोमेंट को सिलेक्ट करेंगे, तो इसके बाद ऑप्शन में आपको आता हो कि ड्रैक, ड्रैक ऑप्शन में अगर आपने इसमें दबा के अगर आपने खेलते हो फ्री फायर गेम, तो इसमें अगर आपने बाई चांस ब्लू जोन के अंदर जाते हो तो यहाँ पर देख सकते हो कि काला काला हो गया है ब्लड, जो कि आपको यहाँ पर आसपास अगर सामने भी एनिमी है तो वो भी आपको नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम है, मतलब ड्रैक में और क्लासिक में अगर आपने सिलेक्ट करते हो तो आपको ये जो काला काला दिखाई देंगे, आपको यहाँ पर फायर करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर एनिमी को उनको देखा ही दिखा देंगे आपको, तो यही प्रॉब्लम है। इसके बाद बात करें अगर यहाँ पर जो कि तो ड्रैग में भी ये प्रॉब्लम है, तो अगर आखिर में अगर आपने जो बटन है इसके बाद नो ब्लड, नो ब्लड ऑप्शन में क्या है वो नो देखिए, यहाँ पर मैंने नो ब्लड ऑप्शन में सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा आपको दिखा के देखता हूँ। देखिए यहाँ पर नो ब्लड में सिलेक्ट किया हूँ, इसके बाद मैं फ्री फायर गेम को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए ब्लू जोन है, ब्लू जोन के मैं अंदर गया, और अभी यहाँ पर देखिए कितना फ्रेश, कितना मतलब लुक कितना अच्छा, मतलब ब्लू जोन के अंदर मुझे पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है कि देखो कितना क्लियर है चारों तरफ, मतलब नारियल गाछ के पीछे कौन है क्या है, सूरज भी पूरा दिखाई दे रहा है। तो यही होता है नो ब्लड का कमाल का खेल। तो प्रो प्लेयर जो कि यहाँ पर नो ब्लड ही सिलेक्ट करके वो खेलता है, वो कभी भी ब्लड कलर ऑप्शन ये सब ड्रैक ऑप्शन कभी भी सिलेक्ट करके नहीं खेलता है। प्रो प्लेयर जो कि यहाँ पर जो कि नो ब्लड ऑप्शन खेलता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी मोमेंट आ जाता है कि ब्लू जोन के अंदर के भी जो भी एनिमी है उनको भी मारना पड़ता है, तो इसीलिए आप ड्रैक नो ब्लड ऑप्शन को सिलेक्ट करके खेलिए, बिल्कुल आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है फ्री फायर गेम में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएंगे, और सारा डिटेल्स मैं आपको बताया क्यों आपको ड्रैक ऑप्शन यूज करना चाहिए, क्यों आपको नो ब्लड यूज करना चाहिए, क्यों आपको क्लासिक ऑप्शन आपको यूज करना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों आप लोग अगर लाइक नहीं करेंगे, आप लोग अगर शेयर नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, आप लोगों के लिए ही मैं इस वीडियो में इस चैनल पर मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आप लोग जो कि इसी चैनल में वीडियो को देखते हो और अच्छा खासा यहाँ पर वॉच टाइम भी देते हो, व्यूज आता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो दिल से आप लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अपने इस चैनल में नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन घंटी को भी दबा देना, जब भी वीडियो अपलोड आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे सबसे पहले। दोस्तों इसी तरह हमको इसी चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और आगे भी मैं सोच रहा हूँ गिव अवे लाऊंगा, लेकिन कैसे गिव अवे लाऊंगा उसको थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, तो कि आप लोग के थोड़ा सभी के सभी को थोड़ा मैं दे पाऊँ, तो ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है मन में। दोस्तों और भी काफ़ी सारा बात थी, मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करते जाऊंगा। दोस्तों आज के लिए वीडियो को करता हूँ यहाँ पर खत्म, फिर से एक नया वीडियो के साथ हाजिर होंगे। बोले जय हिंद, वंदे मातरम।